तो गाइज अभी हम लोग आ गए अभी नॉर्थ गोवा पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने एयरबीएनबी से बुक कर लिया। ये पूरा विला है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मिरहा इधर बाहर है और बहुत ही क्लीन है। इसमें जैसे विला टाइप का है एक, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो सब एयरबीएनबी के थ्रू सबका अलग अलग है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे हम लोग और 2 नाइट स्टे करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से फिर मंडे या ट्यूजडे तक हमारा फ्लाइट है। तो ये है बाहर का व्यू और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये पूरा विला हमारा है। यहाँ पे कम से कम 21 विला है और एक इस साइड में स्विमिंग पूल है वहाँ पे, वो भी हम लोग दिखाएंगे। और विला के अंदर मतलब पूरा डुप्लेक्स टाइप का है, वहाँ पे ऊपर में 3 रूम है, नीचे हॉल है, थोड़ा नज़ारा है। और ये हमारा हम पर्सनल ये है पार्किंग है, अगर आप रेंटेड कार ले रहे हो तो ये भी है, अगर हमने अभी कैब बुक कर लिया तो कैब आ गए। तो अभी हम लोग जाएंगे गोवा का बागा बीच और ये सब बीच में, तो इसमें सब आप लोग को दिखाएंगे। बस इस वीडियो ब्लॉग में यही है, जो होटल पे रह रहे हैं बेस्ट होटल है ये कि नहीं। ये है हमारा स्विमिंग पूल, यहाँ पे आकर के आप स्विमिंग कर सकते हो पूरा। और इसमें जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, पानी भी बहुत ज़्यादा साफ है और बिल्कुल एक मस्त तरीके से विला है, 21 विला है इसमें, और एक ऑर्गेनाइज तरीका है। अगर आप फैमिली के लेके आओगे तो ये बिल्कुल एक मतलब मस्त है। और अभी देखो गाइस अंशा भी आ गए, इसी तरह था भी। अभी स्विमिंग करोगे आप? नहीं, आके स्विमिंग करोगे, ठीक है, ये आके स्विमिंग करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, ये अभी मिर्जा भी आ गए साथ में, और यहाँ पे बैठ के आप रात में चिल मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आके स्विमिंग कर सकते हो। पानी भी एकदम साफ है, ऊपर से थोड़ा बहुत वो पड़ता है लेकिन वो भी लोग साफ करते, मेंटेनेंस हो जाता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अभी नाराज है क्योंकि उसको स्विमिंग करना है अभी, बट हम लोग अभी घर पे बाथटब में अभी हम लोग मतलब ब्लॉग में थोड़ा दिखा दिया, तो बाथटब में हमें स्विमिंग कर लिया, तो यहाँ पे हम कल करेंगे। कल तो फ्लाइट है वैसे, सुबह 10 बजे उठ के आके यहाँ पे स्विमिंग करके चला जाएंगे। ये है बागा बीच, और इसका पानी मतलब बहुत ही साफ है, मतलब ये आप पी भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हम लोग आ गए और पूरा बिल्कुल धूप है, सनबर्न उन्होंने सब कुछ हमने वो कर लगा दिया। मामू जी इधर है, बहुत ही खासियत है यहाँ पे, आप देख सकते हो ना, ये तो फ्रिज भी है मतलब बहुत ही बढ़िया है, और इतने पानी भी मतलब एकदम साफ है, ये देखो। एक चीज है यहाँ पे मतलब ये बिल्कुल ये फिश है, ये जैसे ना अब पूरा फिश है ये। ये है अंजना भी, तो वो खाना लंच कर लिया, लंच करने के बाद अंशा तो सो गए, मेरा साथ में है, और अभी जाएंगे हम अंजना बीच पे, वहाँ पे जाकर के कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये अंजना बीच है, अंजना बीच में मतलब आप स्विमिंग वुमिंग कम करते हो, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और ये सब है, जहाँ पे आगे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा वो है, और शिपिंग बोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। और इस साइड से आप लोग देख सकते हो मतलब यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है पूरा, और अंशा और मीरा तो अभी सो गए,
तो बस इस बीच में हम ज्यादा टाइम पे रुकेंगे नहीं, अगले डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो गाइस गोवा पहुंच गए और गोवा पहुंचने के बाद अभी हम लोग आ गए मतलब ये होटल पे, एयरबीएनबी थ्रू हमने बुकिंग किया है। तो ये भी मतलब बढ़िया है, ये तो डुप्लेक्स है। तो पहले हम लोग दिखाएंगे इसमें, ये हॉल है, बढ़िया से दिखाएंगे हम भी, एक मिनट के अंदर सब दिखा देंगे आपको। ये इधर से बेलकुनी है, पूरा बड़ा बेलकुनी लग रहा है ये। किचन भी लाजवाब है, यहाँ पे हम लोग खाना वाना बनाएंगे और अपने घर की तरह ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद ये डाइनिंग हॉल है और ये एक रूम है जिसमें एक फैमिली पूरा रह सकते हैं, इधर से भी पूरा हुआ है। अच्छा तो इधर से ये बड़ा मामू जी यहीं पे है और यहाँ से बैठ के पूरा बेलकुनी है, नज़ारा ले सकते हो, पूरा ग्लास लगा हुआ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें बैठ के। और ये दूसरा रूम है, ये बाथरूम है, ये मतलब ऊपर सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर है, सेकंड और थर्ड मिला के एक रूम है। तो मतलब तीन रूम है, बेलकुनी है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें अगर आप फैमिली ग्रुप ग्रुप लेके आओगे तो मस्त है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आते ही हमने वीडियो कर लिया, बाद में पूरा खिचपिच हो जाता है। तो चलो गाइस मिलते हैं बाद में, और जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं अभी जा रहा हूँ। मीरा हाय बोलो। हाय हाय, वेलकम टू गोवा। तो गाइज अभी हम लोग गोवा से अभी कोलकाता जा रहा है, हमारा ट्रिप ख़त्म है और यांशा भी साथ में है। और इंडिगो से हमने खाना पहले से ऑर्डर दे दिया था, तो ये एक पैकेट दिया है हमको और इसके साथ में ये भी दिया है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। हमने सोचा खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा तो इसको फ्लाइट से दे दिया था, तो ये हमारा सबके लिए आ गए। मिर्हा भी इधर है और वो आज का ट्रिप में मिर्हा और अंशा मतलब दोनों बिल्कुल शांत बैठी हैं। और ये हमारा अच्छा खाना वाना आ गए, अभी खाना खाएंगे और पूरा ढाई घंटे का ट्रिप है। ये इधर ना लेफ्ट भैया, लेफ्ट आ। तो गोवा से हम आ गए अभी कोलकाता पे, और कोलकाता के आने के बाद हमने अभी पिज्जा ऑर्डर दे दिया अंशा के लिए, बट अंशा कुछ पिज्जा ही नहीं खा ही नहीं रहा है। हाय बोलो। हाय। तो हमने मैगी भी खा लिया और पिज्जा भी ऑर्डर दे दिया पिज्जा, लेकिन अंशा कुछ खा ही नहीं रहा है, तो इसके लिए बस क्या खाओगे अंशा? कुछ नहीं खाओगे? कोलकाता में अभी यहाँ पे डेढ़ घंटे का वो है, ले आउट है, पिज्ज़ा उज्जा खा लिया, सब खा लिया, हंसा भी इधर है, मीठा भी इधर है, पूरा 7 घंटे का वो है सफ़र है। तो इस सफ़र में अभी हम लोग यहाँ से कोलकाता से जाएंगे गुवाहाटी तक। तो पूरा ये 15 दिन का ट्रिप था, बहुत ही बढ़िया था। इसमें हमने मुंबई गया, गोवा गया और क्रूज से गोवा गया, तो सबका वीडियो आएंगे और लास्ट तक आप लोग वीडियो देख लीजिए सब, ठीक है। इस वीडियो को आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1 महीने तक लग मान के चलो, बट शुक्रिया दिल से सब वीडियो आप लोग को देखने के लिए। तो लास्ट ट्रिप है और अभी हम लोग पूरा बोर्डिंग के लिए तैयार है, गुवाहाटी कोलकाता से गुवाहाटी तक सफ़र तय करने के लिए। कोई जीत रहा है। तो एट लास्ट हम अभी आ गए गुवाहाटी में
और ये गुवाहाटी में अभी फ्लाइट से उतर करके बस लिया और बस से आंसर देखो मेरे ऊपर में है। और अभी यहाँ से हम लोग बैगेज लेंगे और फिर हमारा अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वापस से डेस्टिनेशन उस डेस्टिनेशन पे हम आ गए गुवाहाटी में। चलो गाइस मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।